नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, क्या आप मेहनत कर कर थक गए हैं लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा? आपके ऑफिस में आपसे जो जूनियर हैं वो अब आपसे सीनियर बन गए हैं और आप अपने जूनियर के भी जूनियर हो गए हैं। मेहनत तो आप बहुत करते हैं लेकिन आपको इसका फल नहीं मिल रहा। आपकी मेहनत के हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिल रही, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको भगवान शिव को मनाना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर भगवान हमसे नाराज़ है तो हम कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन हमारा कार्य कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए मेहनत के साथ हमें थोड़ी धार्मिक आस्था भी रखनी चाहिए, हमें भगवान को पूजना चाहिए, भगवान को मनाना चाहिए। अगर हम भगवान को मनाते हैं, उसे पूजते हैं, तो वो भी हमारा ध्यान रखते हैं। अगर वो प्रसन्न हैं तो वो कभी हमें उदास नहीं होने देंगे। तो आज मैं आपको भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक अचूक उपाय बताऊंगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो नहीं होगा। अगर भगवान शिव मान गए तो मानो आपके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ आएगी। और ये कैसे होगा? ये होगा भगवान शिव को मनाने के एक अचूक उपाय से। आज जो अचूक उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही अचूक है, बहुत ही सरल है और बहुत ही सच्चा सा उपाय है। जी हाँ, बहुत ही सच्चा सा उपाय है। इस उपाय को अपनाइए और अपने जीवन में खुशियाँ लाइए। तो आइए बताती हूँ मैं आपको, भगवान शिव को मनाने के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी आपको भगवान शिव को मनाने के लिए आवश्यकता होगी? कहते हैं ना, भोले हैं बड़े भोले, वो तो किसी भी चीज़ से मान जाते हैं। भोले को मनाने के लिए सबसे ज़रूरी भोले के प्रिय होते हैं बेलपत्र। जी हाँ, अगर किसी कारणवश आपके पास बेलपत्र नहीं है तो चंदन की लकड़ी तो आपके पास होगी ही होगी, वो आसानी से मिल जाती है। चंदन की लकड़ी को आपको लेना है और उसे घिस कर आपको चंदन बनाना है और वो चंदन आपने अपनी तीन उंगलियों पर लगा लेना है। जी हाँ, ये जो हमारी तीन उंगलियां होती हैं वो चंदन आपको घिस कर अपनी तीन उंगलियों पर लगाना है और पास के किसी शिव मंदिर पर जाना है। और हाँ दोस्तों, ये उपाय ध्यान रखिएगा कि आपको सोमवार के दिन ही करना है। जी हाँ, सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है तो इसका फल आपको बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से मिलेगा और आपको बहुत ही शीघ्र इसका परिणाम देखने को भी मिलेगा। तीन उंगलियों पे आपने चंदन लगाना है, शिवजी जी के मंदिर में जाना है और शिवजी जी की जो पिंडी स्वरूप उनका होता है, शिवजी जी का जो शिवलिंग होता है, उसके ऊपर आपको इस तरीके से तीनों उंगलियों को रखना है और अपनी मनोकामना के साथ एक मंत्र का जाप करना है। 11 बार आपको एक मंत्र का जाप करना है। इस तरह आपने लगाना है शिवलिंग पर, जो ऐसे आपने शिवलिंग पर चंदन लगाना है तीन उंगलियों के माध्यम से और इससे आपको अपनी मनोकामना शिव जी को बतानी है और मंत्र का जाप करना है। 11 बार आप मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद जो चंदन आपके हाथ पर बच जाता है वो आपने अपने मस्तक पर इस तरीके से तिलक लगाना है। जी हाँ, तिलक लगाइए और उसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए विनती कीजिए कि भगवान हमारी मनोकामना, हमारा कार्य सिद्ध करें, हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। फिर देखिए कैसे आपका कार्य जल्द से जल्द सिद्ध हो जाता है। आपके कार्य में कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा नहीं आएगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपके कार्य का तोड़ निकाल पाए, क्योंकि इस उपाय का कोई भी तोड़ नहीं है। जिसने भगवान शिव को मना लिया मानो सारी सृष्टि उसके कदमों में है। जी हाँ, ऐसा ही होगा। बस उपाय को सही तरीके से कीजिएगा और इसमें जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, ये मंत्र आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फ़ोन करके गुरुजी से प्राप्त करना है। गुरुजी आपको बताएंगे कि वो क्या मंत्र है आपकी ग्रह और आपकी राशि के हिसाब से, क्योंकि सभी मंत्र ग्रह और राशि के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ग्रह और राशि के हिसाब वाला मंत्र आप प्राप्त कीजिए गुरुजी से और उस मंत्र को इस विधि के साथ प्रयोग कीजिए। फिर देखिए कैसे मिनटों में आपसे शिवजी जी जो आपसे नाराज़ हैं, जो आपका काम नहीं हो रहा, काम रुक रहा है, वो सारे कार्य सीधे सीधे होते चले जाएंगे और आपको किसी के आगे भी झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
दोस्तों और भी कोई आपको समस्या है, आपके जीवन में कोई परेशानी है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी को फ़ोन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। गुरुजी आपको आपकी हर समस्या, हर परेशानी का हल बताएंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं है जिसका हल गुरुजी के पास ना हो। तो बिना समय बर्बाद करें, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें, गुरुजी से बात करें, अपनी समस्या परेशानी उन्हें बताएं और घर बैठे ही अपनी समस्या का हल प्राप्त करें और अपने जीवन में खुशहाली लाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।